अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी कि जो आपके अल्काइंस हैं जिनके अंदर कार्बन टू कार्बन स्टूडेंट्स इनके अंदर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, तो ये एसिडिक नेचर जो है वो क्यों शो कर रही है। एसिडिक नेचर मतलब ये एज एन एसिड जो है वो क्यों एक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि ये जो अल्काइंस होते हैं इनके अंदर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, और दूसरा ये कि एसिडिक नेचर शो कर रहे हैं। तो एसिडिक वर्ड यहाँ पर हम जो यूज़ कर रहे हैं इसका क्या मतलब है? तो स्टूडेंट्स, कोई भी जो है क्लास जो कि जिसमें क्या होता है कि जो अपना जो है वो एच पॉजिटिव आयन यानी कि अपना प्रोटॉन जो है वो अपना आसानी से दे दे, तो उनको हम क्या कहते हैं, ऐसे जो क्लास है उनको हम क्या कहते हैं, एसिडिक। ठीक है, यानी कि वो एसिड एसिड के तौर पर एक्ट करते हैं, जो अपना प्रोटॉन जो है वो आसानी से दे देते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कि अपना प्रोटॉन आसानी से दे देते हैं यानी कि अपना एच पॉजिटिव आयन जो है वो अपना आसानी से लूज कर देते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं कि वो एसिड के तौर पर एक्ट करते हैं या एसिडिक हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यही बात मैं आज के लेक्चर में डिस्कस करूंगी कि एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस का क्या मतलब हुआ कि ऐसे अल्काइंस अल्काइंस क्या करेंगे कि अपना प्रोटॉन जो है वो आसानी से लूज कर देंगे, दैट्स व्हाई हम उनको कह रहे हैं एसिडिक नेचर। ठीक है, मतलब वो एसिडिक नेचर जो है वो शो कर रहे हैं। अब ये एसिडिक नेचर कैसे शो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इसको मैं अब आप लोगों से वन बाय वन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी, लेकिन ये होप्सो के पॉइंट आपको क्लियर हो गया है कि ये एसिडिक का टर्म यहां पर एसिडिक वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम अल्काइंस के लिए क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलती हूँ। तो जैसे कि आप देखेंगे कि इन इथाइन एंड अदर टर्मिनल अल्काइंस लाइक प्रोपाइन द हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू द कार्बन एटम विद SPS ओवरलैप। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये दो आप जैसे एग्जांपल मैं आपसे ले रही हूँ, इथाइन या कोई भी टर्मिनल अल्काइंस। यहाँ पर टर्मिनल अल्काइंस का क्या मतलब है, तो आप देखें कि ऐसी अल्काइंस जिसके अंदर टर्मिनल कहते हैं जो कि लास्ट पोजीशन पे हो या एंड पे, एंड पे मौजूद हो। टर्मिनल किसे कहते हैं, जो कि टर्मिनेट, जैसे हम कहते हैं टर्मिनेट कर रहे हैं मतलब एंड कर रहे हैं या स्टॉप कर रहे हैं, यानी कि लास्ट जो है पोजिशन पर मौजूद हों, यानी कि एंड वाली पोजिशन पर मौजूद हों, तो हम उनको कहते हैं टर्मिनल अल्काइंस। क्या मतलब है कि जिसके अंदर इथाइन में या टर्मिनल अल्काइन के आप लेट्स सपोज एग्जांपल ले सकते हैं प्रोपाइन, इसी तरह ब्यूटाइन की एग्जांपल ले सकते हैं, तो जिसमें क्या है कि आपका हाइड्रोजन एटम जो है दैट इज बॉन्डेड टू द कार्बन एटम, जो कि कार्बन एटम के साथ बॉन्ड हो, जिसमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो एंड पोजिशन पर लगा हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसी अल्काइंस को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल अल्काइंस कहते हैं, जिसमें कार्बन टू कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बिल्कुल एंड पोजिशन पर लगा हो, तो हम उनको कहते हैं टर्मिनल अल्काइंस। अब इसमें एग्जाम्पल है इथाइन की भी ले लेते हैं, हम प्रोपाइन की भी ले लेते हैं। तो अब आप देखें कि इस पास सबसे पहले जो है मैं एग्जांपल को एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे ये टर्मिनल अल्काइन है, बाद में SPS ओवरलैप के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखें कि ये हमारे पास जो है वो क्या है, इथाइन है, इथाइन है जिसमें कार्बन टू कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, और यहाँ पर आपने देखा कि ये कार्बन टू कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है वो इस केस में, इथाइन के केस में तो है आपके पास इस तरह से कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो मौजूद है, जिसमें आपको पता है इथाइन का फॉर्मूला C2H2 होता है। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एंड पे मौजूद है, आप इधर से भी देखें या इस साइड से भी देखें तो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो ये आपका जो पोजीशन आपने देखी तो ये क्या है, टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये कौन सा आपका कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और ये टर्मिनल पोजीशन पे मौजूद है, और ये कार्बन टू हाइड्रोजन जो है वो टर्मिनल बॉन्ड जो है वो आपका मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह आप यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, ये आपका प्रोपाइन है, जिसमें प्रोपाइन में क्या होता है, तीन कार्बन मौजूद होते हैं और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है। तो अब यहाँ पर इस केस में देखें स्टूडेंट्स के ये आपका जो है वो जैसे कार्बन नंबर वन है, ये टू है और ये थ्री है। ठीक है, क्योंकि कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है जिधर से ज्यादा करीब होता है वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, ये तो खैर नोमेनक्लेचर की बात है। तो अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स के ये कार्बन टू कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो इसके अंदर मौजूद है, और कार्बन टू हाइड्रोजन जो है ये टर्मिनल पोजीशन पे मौजूद है, सो दैट्स वाई हम इन अल्काइंस को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल अल्काइंस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कि जिनके अंदर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो मौजूद हो और कार्बन टू हाइड्रोजन जो है वो एंड पे, जो कार्बन टू हाइड्रोजन जो है वो टर्मिनल पोजीशन पे मौजूद हो, सो दैट्स व्हाई हम ऐसे अल्काइंस को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल अल्काइंस कहते हैं। तो होप सो कि स्टूडेंट्स इस पॉइंट को आप जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब दूसरी पॉइंट जो है वो यहाँ पर कि ये कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन एटम जो है वो बॉन्डेड है टू द कार्बन एटम विद SPS ओवरलैप।
कौन सा ओवरलैप है, SPS ओवरलैप है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने ये एक बात याद रखनी है कि अगर कार्बन जो है वो सारे सिंगल बॉन्ड्स बना, चार सिंगल बॉन्ड्स बना रहे हैं, ठीक है, चार के चार सिंगल बॉन्ड्स बना रहे हैं, तो उसमें हिब्रिडाइजेशन क्या होती थी, SP3 हिब्रिडाइजेशन होती थी। ये तो बात स्टूडेंट्स मैंने 7th चैप्टर में हिब्रिडाइजेशन की उसमें एक्सप्लेन की हुई है, लेकिन अगर आपको नहीं पता, नहीं अगर आपको माइंड में, तो मैं इसलिए यहाँ पर ये बात ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और अगर कार्बन जो है वो एक कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बीच में आ जाता है, डबल बॉन्ड के साथ जो है वो अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, तो बाकी जो है वो सिंगल ही है बेशक, लेकिन एक भी डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ऐसे जो इसमें हिब्रिडाइजेशन जो होगी कार्बन की, वो क्या होगी, SP2 हिब्रिडाइज्ड होगा ये कार्बन, ठीक है। इसी तरह अगर कार्बन जो है कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है और कार्बन इस तरह से अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है चारों बॉन्ड्स थ्रू सिंगल बॉन्ड्स, तो इस हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या कहेंगे कि वो इसमें कार्बन जो है वो SP हिब्रिडाइज है। तो आप देखें कि ये कार्बन भी है SP हिब्रिडाइज और इसी तरह ये वाला जो कार्बन है वो भी SP हिब्रिडाइज है, क्योंकि इस कार्बन ने अपनी जो है वो वैलेंसी तीन जो है वो अपनी कार्बन ने अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई की है कि तीन ट्रिपल बॉन्ड्स के थ्रू जो है इसने अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई की है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो SP हिब्रिडाइजेशन होती है। ये तो अगर आप मजीद डिटेल में जानना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आप चैप्टर नंबर 7 जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये मैंने प्लेलिस्ट में सारा कंप्लीट डिटेल में ऐड किया हुआ है सारा, या आप वहाँ से प्रॉपर जो है वो लेक्चर सीरीज जाके अटेंड कर सकते हैं उस प्लेलिस्ट में, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर जस्ट देख रहे हैं तो मैंने इसलिए कहा कि मैं आपको यहाँ पर ये पॉइंट को क्लियर कर दूँ। तो आप देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो है ये कार्बन जो है कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो इसमें मौजूद है, तो ये जो कार्बन है यहाँ पर ये कौन सा हाइब्रिडाइज है, SP हाइब्रिडाइज है। इसी तरह ये वाला जो कार्बन है ये भी SP हाइब्रिडाइज होगा, क्यों, क्योंकि इसने भी ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जो है बॉन्डिंग की हुई है, ठीक है। सो ये भी SP हाइब्रिडाइज है। लेकिन यहां पर ये जो हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हाइड्रोजन में अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन में जस्ट आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, 1s1 मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें तो क्या होता है कि ये इसमें जस्ट ये s ऑर्बिटल जो है, s सबशेल जो है वो जस्ट इन्वॉल्व होती है, तो ये ओवरलैपिंग में जस्ट s सबशेल को ऐड करता है, सो दैट्स व्हाई इस ओवरलैपिंग को हम क्या कहेंगे, SPS ओवरलैप कहेंगे। ये कौन सा ओवरलैप है, SPS ओवरलैप है। लेकिन अगर हम इस कार्बन टू कार्बन बॉन्ड की बात करें, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की, तो ये स्टूडेंट्स कौन सा आपका ओवरलैप कहलाएगा, SPSP ओवरलैप कहलाएगा। होप सो कि स्टूडेंट्स आप इस पॉइंट को अंडरस्टैंड अच्छे से कर रहे हैं। ये मैंने आपको बताया कि ये कौन सा ओवरलैप है, SPS ओवरलैप है, ये जो कार्बन टू हाइड्रोजन ओवरलैपिंग है, ठीक है, ये SPS ओवरलैपिंग है, जबकि ये कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो ओवरलैप कर रही है, SPSP ओवरलैपिंग हो रही है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये पॉइंट जो है वो आपका फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया कि किस तरह से इथाइन और टर्मिनल अल्काइंस जो है वो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कार्बन एटम के साथ वो SPS ओवरलैपिंग कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा मकसद तो जस्ट इसको अंडरस्टैंड करना है, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस को, लेकिन स्टूडेंट्स एसिडिक नेचर तभी आपको एक्सप्लेन की जा सकती है कि जब आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर होंगे, तभी आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो अब स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आती हूँ, तो ये फर्स्ट पॉइंट जो है वो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, तो होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया है। अब मैं सेकंड पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलती हूँ, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो SP हाइब्रिड ऑर्बिटॉल है स्टूडेंट्स, दे हैज 50% एस करेक्टर इन इट। अब ये इसका क्या मतलब है, तो आप देखें कि ये SP3 SP2 एंड SP ओवरलैपिंग की रिस्पेक्ट से अगर हम इसकी देखें कि इसके अंदर कितना करेक्टर है, तो SP3 ऑर्बिटॉल अगर देखें या SP2 को देखें, SP को देखें, तो इसका करेक्टर को भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ स्टूडेंट्स। तो इसमें देखें कि आपके पास ये जो एस ऑर्बिटॉल है, SP3 की बात कर, अगर हम लेट सपोज SP3 की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो है 25% स्टूडेंट्स क्या है आपके पास, इस एस 25% एस करेक्टर है, 25% एस करेक्टर है, और बाकी जो है वो आपके पास इसमें पी जो है वो 3 है, तो 25 को 3 टाइम्स करें तो ये आपके पास बनता है 75% जो है वो आपका इसके अंदर क्या है, पी करेक्टर जो है वो मौजूद है, ठीक है। इन केस ऑफ SP3 हाइब्रिडाइजेशन में SP3 ऑर्बिटॉल जो हैं इनका 25% एस करेक्टर इसमें मौजूद है और जो है 75% पी करेक्टर मौजूद है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप इस तरह से आप इसको डिवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट SP2 की बात करें, तो इस केस में स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास हाफ हाफ हो जाते हैं, मतलब इसमें क्या होता है 33.3% जो है वो आपके पास इसमें एस करेक्टर होता है, क्योंकि एक एस है और दो पी हैं, और बाकी आप इसको डिवाइड कर लें, 100 पे टोटल होता है ना, तो इसमें बाकी जो है वो आपके पास आ जाता है तकरीबन 66.7% आप कह सकते हैं, 66.7% जो है, या 66.6 कई जगह पर 6 लिखा हुआ, लेकिन 100 अगर पूरा करें तो ये आपके पास स्टूडेंट्स बनता है 66.7 जो परसेंट है
इसके अंदर पी करेक्टर मौजूद होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटॉल्स हैं इनका, इनके करेक्टर की मैं बात कर रही हूँ। और अब sp की बात करें तो sp में स्टूडेंट्स एक s है और एक ही p है, तो इसी तरह इसी वजह से इसके अंदर 50% जो है वो s करेक्टर होता है और 50% ही इसके अंदर जो है वो p करेक्टर जो है वो मौजूद होता है। होप सो कि स्टूडेंट्स इस पॉइंट को आप लोग जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड करें। ये बहुत ही ज़्यादा आप कह लें कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मैं बात आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तब भी जब ये सारे पॉइंट्स जो है वो आप अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तभी आप इस जो टॉपिक की जो को अच्छे तरीके से जो है ना वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो ये बात स्टूडेंट्स बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये जस्ट बात कह देना इंपॉर्टेंट नहीं होता बल्कि इसको अंडरस्टैंड करवाना जो है वो चीज़, ये चीज़ मैटर करती है, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर sp3 होता तो उसमें तो 25% s करेक्टर और 75% p करेक्टर, और इस तरह से ये सारी बातें मैंने आपको आपसे डिस्कस की हैं। तो ये बात जैसे कि यहां पर लिखी है कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटॉल जो है दे हैज 50% s करेक्टर इन इट एंड मेक्स द कार्बन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये पॉइंट स्टूडेंट्स आपने इसमें जो याद रखने वाला है वो ये है पॉइंट कि कैसे है कि जिसके अंदर स्टूडेंट्स जितना ज्यादा s करेक्टर बढ़ता जाता है, जितना ज्यादा s करेक्टर बढ़ता जाएगा उतना जो है वो कार्बन जो होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता जाएगा, ठीक है। तो अब आपने देखा कि ये इसमें जो आपका कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है इसमें एस करेक्टर जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या होता है इसके अंदर एस करेक्टर जो है वो बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि एस करेक्टर 50% है। तो मैंने आपको बताया कि 50% जो है इसमें एस करेक्टर है और 50% ही पी करेक्टर है। तो जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा उतना ज़्यादा जो है वो कार्बन एटम जो होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें बात की हमने कि sp जो हाइब्रिड ऑर्बिटॉल इसके अंदर मौजूद है, sps ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये sp ऑर्बिटॉल जो मौजूद है इसके अंदर 50% जो है वो s करेक्टर, मतलब s करेक्टर अगर हम कंपेयर करें sp3 या sp2 से तो इसमें s करेक्टर जो है वो ज्यादा है। तो इसी वजह से ये जो कार्बन होगा वो क्या होगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मैंने इसी वजह से इस कार्बन के ऊपर जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है वो शो कर दिया है, और इसके साथ जो हाइड्रोजन है ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में आ गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अब क्या हो गई है, पोलैरिटी जो है वो आ गई है कि ये पार्शियल नेगेटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव है, दोनों में पार्शियलिटी आ गई, मतलब पोलैरिटी जो है वो आ गई है। अब ये बॉन्ड क्या हो गया आपका, पोलर बॉन्ड हो गया है। अब पोलर बॉन्ड होने की वजह से मतलब पोल्स जो है इसके ऊपर क्रिएट हो गए हैं, तो ये बॉन्ड पोलर हो गया है, तो पोलर हो गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब क्या होगा कि ये नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज ना बताया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया कार्बन ये वाला, ठीक हो गया, क्योंकि एस करेक्टर जो है वो ज्यादा है। तो अब क्या करेगा स्टूडेंट्स के नेगेटिव होने की वजह से क्या करेगा, ये जो भी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है स्टूडेंट्स वो क्या करता है कि अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ ज्यादा से ज्यादा खींचता है। अब क्या करेगा कि ये कार्बन जो है ये क्या करेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है यहाँ पर जो कार्बन टू हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या करेगा, ये अपनी तरफ ज्यादा से ज्यादा खींचेगा, अपनी तरफ ज्यादा से ज्यादा खींचेगा। तो इसकी वजह से ये वाला जो बॉन्ड है ये कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ ज्यादा हो जाएगी और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये बॉन्ड जो है वो स्टूडेंट्स क्या होने लग जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। अब ये बॉन्ड वीक हो जाएगा और क्या होगा कि ये जो है ये हाइड्रोजन जो है अब क्या होगा कि इसमें से आसानी से ये अपना हाइड्रोजन जो है इसमें से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, और जब हाइड्रोजन कोई भी कंपाउंड जो हाइड्रोजन आसानी से दे देगा मतलब कार्बन सॉरी जो भी कंपाउंड जो आसानी से ये हाइड्रोजन दे रहा है तो अब क्या होगा कि ये एसिडिक नेचर शो कर देगा। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये जो अल्काइंस हैं ये एसिडिक नेचर जो है ये शो करते हैं, और ये बात याद रखनी है कि ये टर्मिनल अल्काइंस जो हैं वो एसिडिक नेचर शो करेंगी आपको, ठीक है, क्योंकि बीच में से हाइड्रोजन का निकलना जरा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू टर्मिनल पोजिशन, यानी कि एंड पे अगर कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है तो उसमें से निकालना जो है वो अपना प्रोटॉन जो है वो आसानी से जो है वो लूज कर सकेगा, लेकिन अगर वो इन मिडल पोजिशन पे मौजूद है तो फिर उसमें उस केस में क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है वो कुछ केसेज में तो है वो मौजूद ही नहीं होती, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तो मौजूद है लेकिन यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो ये तो एसिडिक नेचर ये वाला जो है वो एसिडिक पोजिशन यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, एसिडिक का हाइड्रोजन जो है वो मौजूद यहाँ पर इस पोजीशन पे नहीं है। लेकिन यही बात मैं आप लोगों से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि टर्मिनल पोजीशन पे जो है वो बात आपने याद रखनी है, ठीक है, टर्मिनल पोजीशन पे जो होगी वो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड वो एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो होगा, ठीक है। होप सो कि स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है। तो अब यही पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी तरफ जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ जो है वो खींचेगा, तो यही बात मैं अब नेक्स्ट पॉइंट की फॉर्म में आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ।
तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप ये पॉइंट देख रहे हैं कि दस sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ अ ट्रिपल अल्काइन पुल ट्रिपल अल्काइन सॉरी टर्मिनल अल्काइन पुल्स द इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली एंड मेक्स द अटैच्ड हाइड्रोजन एटम्स लाइटली एसिडिक। आप इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा और इसी वजह से जो इसके साथ हाइड्रोजन जो अटैच्ड है वो क्या हो जाएगा, स्लाइटली एसिडिक हो जाएगा। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते ये अल्काइंस होते हैं, ये इतने ज़्यादा एसिडिक नहीं होते लेकिन स्लाइटली एसिडिक होते हैं, लेकिन एसिडिक तो होते हैं ना स्टूडेंट्स। मैं बात एसिडिक नेचर की कर रही थी, इसी वजह से ये मैं आप लोगों को बात बता रही हूँ। लेकिन अगर आपसे एसिडिक नेचर की रिस्पेक्ट से पूछा जाए कि कितना एसिडिक है, तो मतलब स्ट्रेंथ की रिस्पेक्ट से, तो फिर आपने बताना है कि ये स्लाइटली एसिडिक होते हैं, और वो बात मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो होप्स हो कि ये स्टूडेंट्स आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। तो हाइब्रिडाइज्ड जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जो होता है इसके अंदर ट्रिपल टर्मिनल अल्काइन्स में, तो ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो है वो स्ट्रांगली जो है वो पुल करता है, खींचता है। सो इसी वजह से क्या होते हैं इसके साथ जो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड जो ये हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है स्लाइटली एसिडिक हो जाता है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको ये सब कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया है। अब इसके जो है वो मजीद मैं इसकी रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आपको मजीद जो है वो ये पॉइंट्स पे क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स ये आपके लेक्चर का पार्ट था तो मैंने सोचा कि ये भी आप लोगों से डिस्कस कर लिया जाए। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब आपको आप जो है वन अल्काइन या इथाइन को जब आप रिएक्ट करवाते हैं या ट्रीट करते हैं विद सोडामाइड, सोडामाइड क्या होता है सोडियम अमाइड को हम कहते हैं सोडामाइड, किसको हम बोलते हैं सोडियम अमाइड को, जिसको हम Na(NH2) से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनको हम कलेक्टिवली इकट्ठा लिखते हैं तो हम बोलते हैं सोडामाइड, ठीक है स्टूडेंट्स। और जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं सोडामाइड के साथ अल्काइंस का, वन अल्काइन का या इथाइन का इन लिक्विड अमोनिया, ये लिक्विड अमोनिया जो है उसकी प्रेजेंस में होता है, ठीक है। और जब इसको पास किया जाता है और मोल्टन सोडियम अल्काइन, ठीक है, तो फिर सोडियम में से पास करवाते हैं या तो सोडामाइड के साथ इसका रिएक्शन होता है या सोडियम मेटल के साथ, तो तब क्या होता है स्टूडेंट्स के आपको रिजल्ट में आपको अल्काइलाइड्स मिलते हैं, ठीक है, अल्काइलाइड्स अल्काइनाइड्स में मिलते हैं या एसिटाइलाइड्स हैं वो आपको ऑब्टेन होते हैं, अल्काइनाइड्स या आपको एसिटाइलाइड्स हैं वो आपको ऑब्टेन होते हैं। अब आप देखें कि रिएक्शन के थ्रू आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से आप लोगों को जो है ये आपको अल्काइनाइड्स या एसिटाइलाइड्स हैं वो ऑब्टेन हो रहे हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन है आप देख रहे हैं कि जस्ट जनरल अल्काइन कोई भी ली गई है, जनरल क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि इसमें आर ग्रुप लगा है, हमें नहीं पता कि आपका आर ग्रुप क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको जब हमने रिएक्ट करवाया सोडामाइड के साथ सोडियम अमाइड के साथ इन लिक्विड अमोनिया, तो आप देखें कि ये हाइड्रोजन एसिडिक होने की वजह से, देखें ना ये यहाँ पर आर ग्रुप है तो ये तो आपको पता है कि अल्काइल होगा यानी कि मिथाइल इथाइल कोई भी ग्रुप हो सकता है, तो यहाँ पर यही हाइड्रोजन कार्बन टू हाइड्रोजन जो है ये वाली हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्लाइटली एसिडिक है। अब क्या होगा कि एसिडिक होने की वजह से यहाँ से ये फौरन से एसिड होने की वजह से एसिड की क्या पहचान थी, जो अपना प्रोटॉन आसानी से दे देता है, तो अब क्या होगा कि यहाँ से ये जब प्रोटॉन निकल जाएगा तो ये सोडियम के साथ जो इसके साथ सोडियम सोडामाइड जब हम इसमें इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा सोडियम के साथ, किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा सोडियम के साथ, तो यहाँ पर सोडियम आ जाएगा और हाइड्रोजन इसके साथ जाके रिएक्ट कर जाएगा तो ये NH3 बन जाएगा और ये वाला Ne-Na+ बन जाएगा, यानी कि इसका सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब अल्काइंस का ये सॉल्ट बन जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं अल्काइनाइड्स बोलेंगे या सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्काइंस बोलेंगे, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्काइंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आप देखें कि R के साथ बाकी सब चीज़ सेम है, यहाँ से यहाँ तक सब कुछ सेम रहेगा, बस ये हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस कर दिया सोडियम आयन से, ठीक है, जो कि इसका साल्ट कहलाएगा। हाइड्रोजन हो तो एसिडिक है, अगर हाइड्रोजन मतलब उसको एसिड कहेंगे, और अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया उसी के सोडियम आयन के साथ तो वो उसका सॉल्ट बन जाएगा, सो यहाँ पर आप इसको बोलेंगे सॉल्ट ऑफ अल्काइन, ठीक है, और ये आपको मिल गया और साथ में NH3 ये हाइड्रोजन यहाँ से आके इसके साथ रिएक्ट करके NH2 के साथ तो NH3 बन जाएगा, तो ये इस तरह से आपको फाइनल जो है वो आपको प्रोडक्ट मिल गई। अब इसी तरह स्टूडेंट्स आप इथाइन के साथ इथाइन का रिएक्शन करवाएं सोडियम मेटल के साथ सोडियम मेटल की मौजूदगी में, तो क्या होगा कि आप देखें कि 2 moles ऑफ सोडियम मेटल लिए हैं तो एक आपके पास दोनों हाइड्रोजन जो है यहाँ पर दो हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक मौजूद हैं, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है यहाँ पर मौजूद है लेकिन कार्बन टू हाइड्रोजन दोनों टर्मिनल पोजीशन पे अटैच हैं, तो ये क्या है कि स्टूडेंट्स दो एसिडिक हाइड्रोजन जो है आपके पास इसके केस में मौजूद हैं, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, इस केस में नहीं था, इसमें जस्ट एक था क्योंकि यहाँ पर आर ग्रुप लगा हुआ है, जबकि इस केस में दोनों साइड पे जो है वो आपके टर्मिनल पोजिशन पे आपके कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मौजूद है, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक है, तो ये भी एसिडिक है और इसी तरह यहाँ पर ये भी एसिडिक है, तो दो एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो आपके पास मौजूद हैं, तो ये दोनों जो है वो दो सोडियम आयन से रिप्लेस होकर
ओके, यहाँ पर भी सोडियम आयन आ गया, यहाँ पर भी सोडियम आयन आ गया, तो यहाँ से ये जो दो हाइड्रोजन निकलेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी और आपको रिजल्टिंग कंपाउंड जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, सोडियम एसिटाइलाइड। तो आप देखें स्टूडेंट्स किस तरह से आपको जो है वो एसिटाइलाइड जो है वो ऑब्टेन हो रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स क्लियर होगी अगर बात तो फिर आगे चलें, अगर यहाँ तक क्लियर नहीं हुई तो पहले इसको अंडरस्टैंड आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। सोडियम एसिटाइलाइड आपने इसको कह दिया। अब स्टूडेंट्स इसके अलावा जरूरी नहीं है कि आपको सोडियम एसिटाइलाइड ही मिले, मतलब आपने सोडियम के साथ ही रिएक्शन करना है या सोडियम एसिटाइलाइड्स ही आपको ऑब्टेन हो सकते हैं। इसके अलावा भी आप डिफरेंट जो है वो एसिटाइलाइड्स बना सकते हैं, जैसे आप कॉपर के एसिटाइलाइड बना सकते हैं, आप जो है सिल्वर एसिटाइलाइड बना सकते हैं। अब वो कैसे बनाएंगे कि आपने जस्ट क्या करना है, अल्काइन को आप लोगों ने ट्रीट करना है क्यूपरस क्लोराइड के साथ और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अगर आप कॉपर का एसिटाइलाइड बनाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है फिर आपने जो है वो आपने उसमें रिएक्ट करवाना है उसको क्यूपरस क्लोराइड के साथ, Cu2Cl2, इसको हम क्यूपरस क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। और अगर आप सिल्वर एसिटाइलाइड बनाना चाहते हैं तो आप बाकी सारी चीज सेम रखेंगे, देखिए इसको भी सेम रखना है, इसको भी सेम रखना है, ठीक हो गया। और यहाँ पर नीचे भी आप देख रहे हैं कि ये दोनों सेम है, बस यहाँ पर डिफरेंस कहाँ क्या है कि यहाँ पर आपने क्यूपरस क्लोराइड लिया था जबकि यहाँ पर इस नीचे आप देख रहे हैं कि नीचे जो इक्वेशन आपको दी जा रही है रिएक्शन करवाया जा रहा है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाया जा रहा है। तो अगर क्यूपरस क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो ये आपको क्यूपरस एसिटाइलाइड डाई कॉपर, आप इसको कहेंगे डाई कॉपर एसिटाइलाइड, क्योंकि दो कॉपर हैं तो ये कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो साथ में इसको हम क्या कहेंगे डाई कॉपर एसिटाइलाइड। और अगर सिल्वर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो फिर हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आप इसको क्या बोलेंगे डाई सिल्वर एसिटाइलाइड बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये नाम भी आपको मैंने साथ में एक्सप्लेन कर दिए हैं कि अब मजीद रिएक्शन को आप देख लें, बैलेंस फॉर्म में भी होना चाहिए और बाकी प्रोडक्ट्स आपको कैसे मिल रही हैं इसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कशन करने जा रही हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखें कि ये दो हाइड्रोजन जब यहाँ से रिप्लेस हुए तो वो इन दो कॉपर, ये दो कॉपर आयन जो है वो इन फॉर्म ऑफ सी ये नेगेटिव और कॉपर के ऊपर पॉजिटिव, इस तरह से आपने लगा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये डाई कॉपर एसिटाइलाइड आपको मिला जो कि इसके स्टूडेंट्स याद रखना है कि रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट जो है वो आपको ऑब्टेन होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि ये जो जो डाई कॉपर एसिटाइलाइड है इसके किस कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं, इसलिए ये यहाँ पर मैंने साथ में मेंशन किया है, ठीक है। और इसके अलावा अब यहाँ पर क्या होगा कि NH4 है साथ में, आपके पास NH4 है और यहाँ पर जो है वो साथ में दो Cl है, ठीक है, दो Cl यहाँ से निकल गए तो इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया NH4Cl। और साथ में इसको बैलेंस करने के लिए क्योंकि Cl दो हैं तो यहाँ पर आपने दो Cl लगाए तो इसी वजह से यहाँ पर अमोनियम दो हो गए हैं तो यहाँ पर भी आपने इसको बैलेंस कर लिया टू अमोनियम से, ठीक है। तो NH4 भी बैलेंस्ड हो गए आपके और दो Cl भी बैलेंस्ड हो गए और दो कॉपर भी बैलेंस्ड हो गए, यहाँ से ये जो H2 निकले हैं वो यहाँ भी दो हाइड्रोजन मौजूद हैं तो टू एच टू और यहाँ से दो ऑक्सीजन ही है तो टू एच टू, इस तरह से रिएक्शन को स्टूडेंट्स आपने टू वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से निकलेंगे तो ये आपका रिएक्शन भी बैलेंस्ड हो गया। इसी तरह आप नीचे वाले रिएक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं तो देखें यहां पर कि सिल्वर जो है वो आपने दो लगाए हैं तो यहां पर भी इसलिए टू साथ में ऐड किया है तो टू सिल्वर नाइट्रेट के साथ आप इसको रिएक्शन करवाएंगे टू अमोनियम नाइट्रेट के साथ तो सॉरी टू अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो यहां पर टू अमोनियम नाइट्रेट्स आपको मिलेंगे क्योंकि यहां से दो सिल्वर इन दो हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस हो जाएंगे क्योंकि दोनों एसिडिक हैं तो ये सिल्वर आयन से रिप्लेस हो जाएंगे तो ये एच यहां से निकल गए और बाकी ये चीज तो आपको पता है कि यहाँ से NO3 निकलेगा 2NO3 तो ये टू अमोनियम नाइट्रेट बन जाएंगे और साथ में टू वाटर मॉलिक्यूल्स। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको इक्वेशन तो बैलेंस करना हमारा मकसद नहीं है लेकिन स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इक्वेशन से रिलेटेड तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि वो किसी भी पॉइंट में कंफ्यूज ना हो तो मैं ये सारी बातें भी साथ में एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सिल्वर के केस में स्टूडेंट्स क्या होगा, आपको वाइट कलर सिल्वर एसिटाइलाइड डाई सिल्वर एसिटाइलाइड के केस में आप लोगों को वाइट कलर प्रेसिपिटेट्स जो हैं इसके ऑब्टेन होंगे। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। अब एक लास्ट बिल्कुल बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप दोबारा से आप लोगों को जो है अगर ये जो डाई सिल्वर डाई कॉपर एसिटाइलाइड या डाई सिल्वर एसिटाइलाइड से आप दोबारा से आप इथाइन प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप इसमें के साथ आप इसका किसके साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको दोबारा से जो है वो इथाइन मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स देखें कि हम लोगों ने एसिडिक नेचर थी तो उसमें से आपने इसकी एसिडिक नेचर को ख़त्म कर दी, मतलब प्रोटोन एसिडिक नेचर मतलब प्रोटोन को लूज़ करवा के आप लोगों ने इसके उस पर कॉपर या सिल्वर को ऐड किया था। लेकिन अब हमने क्या करना है कि दोबारा से हाइड्रोजन ऐड करनी है तो अब क्या करेंगे कि हम इसका रिएक्शन किसके साथ करेंगे, इनका रिएक्शन हम एसिड के साथ करेंगे ना, तो एसिड के साथ करेंगे तब ही तो एसिड की वजह से वो इसके अंदर प्रोटॉन आ जाएगा, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स वो मैं रिएक्शन के थ्रू बताती हूँ ताकि आप लोगों को इस पॉइंट से मैं कोई भी कंफ्यूजन मजीद कंफ्यूजन ना हो।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये देख लें आप कि यही बात मैंने यहाँ पर रिएक्शन के थ्रू आप देख सकते हैं कि सिल्वर एंड कॉपर जो है आपके पास एसिटाइलाइड्स, दे रिएक्ट विद एसिड्स टू रीजनरेट अल्काइंस। मतलब अगर आप रीजनरेट करना चाहते हैं, अल्काइंस को रीजनरेट करना चाहते हैं जो कि एसिडिक नेचर थी, तो ये बेसिकली मैं बात करना चाह रही थी आपसे कि रीजनरेट कैसे रीजनरेट होते हैं। तो आपके ये जो सिल्वर एसिटाइलाइड है, और जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और डायल्यूट कंडीशन में, डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये सल्फ्यूरिक एसिड में से एसिड है आपका, तो इसमें से दो हाइड्रोजन जो है वो निकलेंगे, ठीक है, और ये दो सिल्वर जो आपके आयंस हैं, दो सिल्वर यहाँ से ये निकल जाएंगे, तो ये एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, और दोनों सिल्वर यहाँ से निकल के Ag2SO4 बना देंगे। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आप इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये एक हाइड्रोजन इधर चला गया, दूसरा हाइड्रोजन इधर चला जाएगा इस कार्बन के पास, तो ये आपके पास दोबारा से इथाइन जो है वो बन गई, और बाकी यहाँ से एक सिल्वर और ये दूसरा Ag2 निकला, और Ag2SO4 बन के जो है वो आपका पे सेपरेट हो गया। इसी तरह ये फिर आपने जो है वो सिल्वर जो आपके पास एसिटाइलाइड है इसको रिएक्ट करवाया। जरूरी नहीं है कि आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही रिएक्ट करवाएं, आप नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हमने दोबारा से अल्काइन को रीजनरेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम इसी तरह होगा कि दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, दूसरा इधर वापस आ जाएगा, तो अल्काइन इथाइन आपके पास बन जाएगी, और बाकी ये दोनों सिल्वर यहाँ से निकल के इस NO3 के साथ रिएक्ट करके दो NO3 के साथ, तो सिल्वर नाइट्रेट जो है वो आपको ऑब्टेन हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो अल्काइन को रीजनरेट भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हमारा जो पॉइंट था स्टूडेंट्स के एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस, तो वो आज के लेक्चर में जैसे कि मैंने आप लोगों से डिस्कस की, और इसके अलावा जो इनका रिएक्शन करके हम लोगों ने एसिटाइलाइड्स बनाए, और इसके अलावा उनको रीजनरेट कैसे करते हैं, इस बारे में मैंने आप लोगों को आज के लेक्चर में एक्सप्लेन किया। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आप इन सब पॉइंट्स को जो है वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और आज के लेक्चर से रिलेटेड स्टूडेंट्स अगर आपको स्टिल कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है, तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।